साहिबगंज के बरहेट विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गैमिलियल हेम्ब्रम ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा, चुनौती बड़ी है लेकिन जनता हमारे साथ खड़ी है। बरहेट की जनता बदलाव चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गैमिलियल हेम्ब्रम जी को हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। नौजवान लड़का है, आप सब लोग इनको जानते हैं और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं, इस बार यहां से आप गैमिलियल हेम्ब्रम को चुनाव जिताइए, झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी और फिर से इस राज्य को ठगों से, लुटेरों से, भ्रष्ट अफसरों से इस राज्य को मुक्ति दिलाना है। यही मैं कहने के लिए आज आया हूं। आज इस प्रदेश के अंदर में सरकार कौन चला रहा है? लुटेरे लोग चला रहे हैं, बिचौलिया लोग चला रहे हैं, भ्रष्ट अफसर लोग चला रहे हैं, झारखंड लोग लूट रहे हैं। पूरे 5 वर्षों तक झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन ने ठगा है। पूरे 5 वर्षों तक हेमंत सोरेन ने झारखंड को लूटा और लुटाया। उन्होंने कहा था कि गरीबों को 72,000 रुपया देंगे, माँ बहनों को 2,000 चूल्हा खर्च देंगे, बेटियों को शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, बुजुर्ग और विधवा को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, नौजवानों को 5 लाख नौकरी देंगे नहीं तो संन्यास लेंगे। ये बाबूजी का कसम खाया था हेमंत सोरेन ने। जब बाबूजी का कसम खा के पूरा नहीं कर सकता है उससे अब क्या। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।